हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ब्लॉग दोस्तों अभी शाम के लगभग 5 बजे शूट हो रहा है, और शूट इसलिए 5 बजे हो रहा है क्योंकि यार आज तो हम बिल्कुल भी ना बाहर ही नहीं निकल पाए। सच में मतलब मैं तो कम कोई 3 बार बाहर निकला हूँ, वो भी मतलब ज़्यादा दूर नहीं, नीचे तक गया था अपनी गुराल तक, वो भी पानी आ गया था गुराल में। आपको तो पता है, मैंने पिछले भी आपको ब्लॉग में दिखाया था कि हमारी जो ना जब बारिश ज़्यादा होती थी गुराल में जो पानी वगैरह भर जाता, तो उसको निकालने के लिए गया था। अदरवाइज़ मैं आज बाहर भी नहीं निकला था, हालांकि अभी तक मैंने मुँह भी नहीं धोया हुआ है। नड्डी तक जाना था मुझे, लेकिन आज मैं नड्डी में भी नहीं गया, वो इसलिए क्योंकि यार पिछले ना कल रात मतलब दिन में भी बारिश हो रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद जो पिछली रात को 10 बजे से बाद कंटिन्यू बारिश जो वो लगी हुई है। अभी भी बारिश थोड़ी सी बोल सकते कम हुई है, मतलब कम नहीं हुई है क्योंकि अभी भी छींटे जो वो पड़ी रहे बारिश के, दिन भर मतलब फुल पावर बारिश लगी हुई थी यार आज तो। मतलब दिन में मतलब क्या ही बोले यार दोस्तों, मतलब बहुत ख़तरनाक बारिश लगी हुई थी। बोलते कि बरसात ख़त्म हो जाएगी, होगी पर, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बरसात जो है वो अभी शुरू हुई है, और जो कि भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हुई है। और मम्मी भी तो मतलब पानी उठा उठा के गिल्ली हो चुकी थी, घास काटने गई थी मम्मी, है ना, पानी कितना आया होगा, वो तो आया हुआ है मम्मी। और मम्मी ना आज घास काटने जो बारिश में गई हुई थी, पूरी गिल्ली हो गई थी, तो अभी नहाने के लिए गई हुई थी मम्मी। इससे पहले पानी निकाल रहे थे गुराल से, तो मम्मी भी गिल्ली हो चुकी थी पूरी, घास काटते काटते बारिश में घास काटा था। अभी फिर से बारिश जो वो देख रहे होंगे आप मेरे ऊपर जो कपड़ों के ऊपर बारिश, मुझे अब फिर से अंदर जाना पड़ेगा, पता नहीं आज कितने ही अंदर रहना पड़ेगा यार। और मैं थोड़ी देर बाद आपको एक और सरप्राइज़ बताता हूँ, वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो अभी वैसे भी सुबह से हम घर में अंदर ही बड़े हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया, लंच के बाद थोड़ा सो भी लिए, और अभी चाय पीने का भी टाइम हो गया, और थोड़ी देर बाद खाने का फिर से टाइम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हो गया पानी बंद, मम्मी आ गई थी तो मैं उठा ही रहा था पानी, अभी मैंने छोड़ दिया यार, गाय को ऊपर ही लाना पड़ेगा क्योंकि बारिश फिर लग पड़ी है, तो कौन रात भर पानी उठाता रहेगा। हाय करो, बोलो हाय। तो आज तो सच में यार ऋतवी की भी ना बोर हो गया। आज आप बारिश बारिश में बाहर गए थे कि नहीं गए थे? चौकोस खा रहा है तो अभी ऋतवी सच में यार आज बोर हो गया। और मैडम तो मेरे को नहीं पिलानी चाहिए, क्यों सोच होगी, क्यों काम कोई काम धंधा नहीं है, काम धंधा करके सोचती है ऐसे। चलो बढ़िया है ना, ठीक है। हमारे घर में कौन आया है? छोटे छोटे बच्चे। कितने बच्चे? बहुत सारे। किसके बच्चे? हनी के। हनी के? हाँ जी बहुत सारे। हनी आपको टाटा है? नहीं, जूली ने दिए बोल बच्चे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा था आपको कि मैं आपको सरप्राइज दिखाता हूँ, तो सरप्राइज ये है कि जूली ने आज बच्चे दिए हमारी ना, तो आज इस बार जो वो चौथी बार माँ बन गई है। तो अभी यहाँ से छोटी सी जगह आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे दिए हुए अभी आपको दिख भी रही होगी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो अभी इसको मैं थोड़ी जगह जो है वो सेट करने वाला हूँ, क्योंकि इसने जब बच्चे दे रही तब उसने जो अपनी जो भी था सीट साठ जो भी इसको दी हुई थी बैठने के लिए वो उखाड़ के रख दी हुई है। खाने तो देती नहीं, ये देखिए छोटा सा बच्चा, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा बच्चा, ये देखिए है ना छोटा छोटा बच्चा, ये सिर्फ किसी को हाथ लगाने देती है, रो रहा है अभी, कर रहा था चुकंदर। तो ये तो क्या है मेरे को नहीं पता है, रख यार नीचे, पता नहीं मेरे को नहीं पता क्या है। ये जूली की तरह था, इधर रखो, इधर देखो देखो स्मार्टी को, ऐसे पहला भी था, पहले वो बड़े कमजोर।
तो अभी दोस्तों ठंड पता कैसी होगी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मुंह से ही लग जा रहा पता कि मतलब कितनी ठंड होगी अभी, है ना, मतलब धुआं धुआं बिल्कुल। सच में यार सुबह शाम जो वो ठंड हो गई है अब, और बरसात जो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और अभी मैं भी थोड़ा सा हो गया हूँ सेट नहा धो के, वो इसलिए क्योंकि जूली का सेटअप चेंज किया था थोड़ा बहुत, तो उसका सेटअप मतलब जो भी था उसका जगह बैठने के लिए थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन उससे पहले हमने उसके नीचे जो है वो बिछाए हुए थे गद्दे वगैरह उसके बैठने के लिए, लेकिन जो वो गद्दे वगैरह थे उसने साइड में कर दिए थे, तो मैंने सोचा बच्चे वगैरह जो उनको ठंड लग जाएगी, तो थोड़ा सा सेटअप चेंज किया, इसलिए मेरे को कपड़े में बाल वगैरह जो वो लग गए थे। तो अभी मैं हो गया हूँ नहा धो के सेट एक बार फिर से, और पीछे अब धुंध देख लीजिए किस तरह की धुंध पड़ी हुई यार अभी बहुत ज़्यादा। मैं और ऋत्विक कहाँ जा रहे हो हम? परी को आपने बाजी ली? कहाँ है? ओके तो परी को दोगे आप? हाँ जी, हनी परी के साथ खाएगी बाजी। ठीक है, आइडिया कर दे बोलो। ओके गाइस मिलते हैं। ओके गाइस आइडिया हनी आज किसके घर में गए थे? दोस्तों परी के घर में तो हम गए थे, लेकिन हमारे साथ हो गया था सीन। हम कैसे गिरे थे ऋत्विक? ऐसे। कैसे करके? ऐसे। आपको लगी तो नहीं थी? नहीं हमको लगी, फिर हनी दोगे तो फिर हनी डोंगवाती से बोली। आपको गिरा दिया था पापू ने? कैसे गिराया था? ऐसे धूम करके फिर नीने छलांग मारी थी। सच में यार आज तो बच गए यार। मैं मतलब यार इसको लेके चला था बड़े मतलब आराम आराम से चला था, मुझे पता था यहाँ पे स्लिपरी है रास्ता, मतलब बड़ा बच के चल रहा था मैं, पर लेकिन यार लग गई मतलब पूरे बुरे हाथ से लग गए, मतलब ऐसा गिराना धड़ाम करते। एक हाथ से ये पकड़ा था, एक हाथ से छतरी पकड़ी हुई थी, छतरी छुतरी का तो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन शुक्र है कि इसको भी नहीं लगी और मुझे भी नहीं लगी। मैं इस मतलब कंधे के बाहर से गिरा और मैं तो भी मेरे ऊपर गिरा, मतलब बुरे हाथ से लगे थे आज तो, है ना। पर लगी तो नहीं थी आपको अभी? पक्का यहाँ तो नहीं लगी थी? सारे कपड़े कुपड़े गिले हो गए थे हमारे, कपड़े कुपड़े चेंज करने पड़े थे हमें, है ना। गुड मॉर्निंग। और पिछले कल तो मौसम बहुत ही खतरनाक था, और आज जो है वो मौसम काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा धूप खिली है। मतलब पिछले कल तो दिन भर बारिश थी, सच में बहुत खतरनाक मौसम था। और पिछले कल जब हम गिरे थे शाम को जब परी के घर में गए थे, तो मतलब उस टाइम तो बिल्कुल नहीं लगी थी, मेरे को भी नहीं लगी थी, ऋत्विक को भी नहीं लगी। ऋत्विक को तो खैर लगी नहीं थी, वो मेरे ऊपर ही पड़ा था, शायद थोड़ी बहुत लगी होगी। वैसे बोल रहा था कि बिल्कुल नहीं लगी है, और मेरी तो ना आज हालत ख़राब है पूरी, मतलब बाजू नहीं हिल रही है यार, और एक टांग भी नहीं हिल रही है, मतलब ऐसे ना मतलब अंदर अंदर पन्नी अंदर मास्क के अंदर शायद लगी होगी चोट, वैसे तो बाहर तो कोई दिख नहीं रही है, और आज तो मतलब हिलना जुलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाकी आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।